हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। भाई ठंड तो बहुत पड़ रही है। लगभग कोई बंदा कह रहा है कि 20 साल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोई कह रहा है 100 साल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो भाई ठंड तो जो भी है, काम तो जो है वो करना पड़ेगा, और जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे। कुछ थोड़ा सा लाइट आ रहा है क्योंकि फ्रेंड इन थोड़ा इधर क्या धुंध पड़ रही है ना, वो इस कारण से आ रहा है। तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि नीचे एक तो शेयर का ऑप्शन है, आप जो देख रहे हो पिक्चर में, मैं पिक्चर डालने की कोशिश करूँगा, तो उस पर क्लिक करके आप शेयर कर दीजिए कि जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और एक नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसे दबा दीजिएगा, और साथ में घंटी का आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जो भी पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ में। और इससे क्या होगा फ्रेंड, जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकोगे। तो फ्रेंड सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं अभी अपने भाई के घर, ठीक है, थोड़ी पार्टी वगैरह वो दे रहे हैं या फिर दावत बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कह रहे थे हमारे घर पर खाना खाना है आपको आज। लोकेशन आपको थोड़ी दिखा दे रहा हूँ, और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई, तो उधर जा रहे हैं। डेली रूटीन भाई ऐसा है कि गांव का डेली रूटीन तो यही है, सुबह 6 बजे उठा था, नमाज़ पढ़ी। भाई जितने भी मुसलमान देख रहे हैं प्लीज़ नमाज़ पढ़ा कीजिए, और दूसरे धर्म वाले हैं जो हिंदू सिख दूसरे भाई हैं तो वो भाई अपने अपने हिसाब से अपनी प्रेयर दिन को ज़रूर कीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका दिन 100% अच्छा ही जाएगा, ठीक है, भगवान का नाम लेकर दिन को शुरू करेंगे तो। और ये देख लीजिए सिंपल गांव की लाइफ है, और अभी जा रहे हैं अपने भाई के घर, वहाँ से थोड़ी खा पी कर फिर सोचेंगे किधर जाना है किधर नहीं, आगे का प्लान करेंगे, वीडियो बनती जाएगी। तो दोस्तों ये लोकेशन मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, पहले वाली वीडियो में ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पर वीडियो बनाई है, तो भाई कहीं पर नहीं बनाई, सिर्फ अपने जो घर के पीछे थोड़ा बहुत जो रेगिस्तान इलाका है उधर से होते हुए यहाँ पर आए थे हम रोड के ऊपर। तो ये रोड है, ठीक है, और ये देखिए मैं ऊपर रोड के ऊपर हूँ अभी, ये रोड थी, ठीक है, तो यही इलाका है, और इधर मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई का घर इधर है, आप देख रहे होगे इधर सामने, और ठीक है। दोस्तों पार्टी होगी ओवर, भाई के यहाँ खाना खुना खा करके अभी निकले हैं, एक सरपंच साहब का प्रोग्राम है वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है। भाई हमारे वो हमारे साथ नहीं आए हैं, वो किसी काम से कहीं और जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो दोनों जने जा कर के आते हैं, कुछ देखते हैं क्या माहौल है। अभी तो माहौल चल रहा है ना सब पंचायती चुनावों का, गांव में इंटरेस्टिंग माहौल है हमारे गांव में बहुत ही। आगे आगे दिखाते हैं आपको लोकेशन, देख लो आप, हरियाली तो भैया गाँव में ही मिलती है आजकल, ठीक है। देख लो भैया कितना शानदार व्यू है, सरसों की फसल लहलाती हुई, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये हरियाली का नज़ारा दिखा देते हैं। इधर भी देखो अभी सरसों की फसल थोड़ी बड़ी हो गई है, कनक तो गेहूं जो है अभी छोटी है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं हुई है, मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा सुंदर नज़ारा दिखाते चले। भाइयों सरपंच साहब की पार्टी हो गई ओवर, लास्ट में मैं उनके भाषण की एक वीडियो क्लिप भी जोड़ दूंगा, आप देख लेना, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन दीन और दुनिया के बारे में मौल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आप वो ज़रूर देखना, ठीक है, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ उसकी वजह से कुछ सुधार आ जाए, या फिर आपके गाँव में भी अगर कोई ऐसा माहौल हो तो आपको एक अच्छा लीडर चुनने में आपको मदद शायद हो सकती है, ठीक है, तो आप लास्ट वाले वो जो भाषण है उनके ज़रूर सुनना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। अरे भाई साहब सनाम खान जो है नरमा निकालते हुए गुस्से में, देख लो भैया ये जो रह जाते हैं ना
थोड़े बहुत टींडे बोलते हैं उसको, तो फिर घर में लाकर उसकी चुगाई करते हैं। सही है। साथ में हमारे भांजे भी लगे हुए हैं गुस्से में। तो दोस्तों अभी डेली व्लॉग में आज इतना ही। अब हम जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। तो देसी भाषा में ढाणी बोलते हैं, हम अपनी ढाणी पर जा रहे हैं, क्योंकि जो गांव के अंदर होते हैं उन्हें घर कहते हैं और जो देहातों में होते हैं उसे ढाणियां कहते हैं। तो इसीलिए हम उधर जा रहे हैं और उसके बाद में सोचते हैं अगर कोई प्लान बनता है किधर जाने का तो फिर वो दूसरी वीडियो आएगी, क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको बोर भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का आइकन है उसको दबा के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय। क्योंकि जो मुद्दे आप मौलवी साहब ने बहुत बड़ी बातें बता दी, भाई इमदाद ने भी बताई और उससे पहले हमारा पोता है जो राजा भली मौलवी उसने भी बातें बता दी। तो मेन मकसद है जो मेरा राजनीति करना नहीं है, तो मैं अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से राजनीति को बदलने आया हूँ। जैसे मौलवी साहब ने बताया कि अगर पैसा कमाना मकसद होता तो उस टाइम 3.25 लाख पैकेज था। आज मेरे साथ वाले जो मैं MBA हूँ वो लिखा हुआ MBA, अपने रावत सर से जो विधायक थे अभिषेक मटोरिया वो MBA थे, या सचिन पायलट हैं वो MBA, तो MBA होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA की स्टार्टिंग होती है अगर अल्लाह के करम से 30-35 हज़ार से, और आने वाले साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपये महीना सैलरी जो अपने लोकल होती है। जैसे मौलवी साहब ने बताया किसी की 1,50,000 तनख्वाह होती है तो अपने बहुत ज़्यादा बताते हैं, पर मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा शुरू से ही मकसद था, पहले मेरे पास पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान होती है उसकी पढ़ाई की, राजनीति से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं हूँ मैं, कॉलेज टाइम से। तो सुनते थे लखो वाली के बारे में दुख होता था, अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं लखो वाली में, सारे एक घर से दो दो तीन तीन चार चार लड़के बाहर हैं और पैसे बहुत हैं। पर जो सार्वजनिक काम है जो होने चाहिए, जो आधारभूत सुविधाएँ होती अपनी, जैसे पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की पढ़ाई की, उसमें बहुत ज़्यादा हम पिछड़े हुए हैं। मेरा मकसद मैंने पहले भी बताया था, अब भी कैमरे के सामने बता रहा हूँ, भाई लाइव चला रहे हैं, कि मेरा मकसद है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये बड़ा काम नहीं होता, खाले सड़कें पानी की पाइपलाइन बहुत बड़ा काम नहीं होता, बहुत छोटे रूटीन के काम है, एक इच्छा शक्ति चाहिए काम करने वाले की। तो अल्लाह के करम से ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के काम हो जाएंगे। 2-3 तरह से पैसे आते हैं पंचायत में, उसके अलावा विभाग से जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे खाली वाले विभाग होते हैं वो सिंचाई इरिगेशन विभाग होता है वो करता है। तो अल्लाह के क्रम से मेरे कैबिनेट मंत्री हैं कम से कम 3-4 जयपुर में जानकार। तो एक अपने छोटे काम के लिए नहीं कह सकते, जो सार्वजनिक काम है उनके लिए हम उनके पास भी जा सकते हैं, वहाँ से भी पैसा लेके आ सकते हैं। और रही बात खाले बनने की, नरेगा में तो खुला काम होता है, नरेगा में कोई काम ले सकते हैं, खाला पक्का करना, रास्ता पक्का करना, उसमें 40-60 का रेशियो होता है, 40% लेबर का पैसा मिलता है, 60% सामान का मिलता है, तो उसके थ्रू अपने कोई काम कर सकते हैं। काम तो कोई मायने नहीं है, बदलाव का मतलब ये नहीं था कि बंदा बदलना, बंदा तो अपने 5 साल से हर बार नया बंदा आ रहा है, हर बार नया आ जाता है, बदलाव का मतलब है सोच बदलना। तो मैं अल्लाह के करम से एक सोच नई लेके आया हूँ, उम्मीद है आप सबका प्यार मिलेगा और ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह सभी याद रखेंगे। और मैं कोई परमानेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं परमानेंट यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, आपको अच्छा लगेगा काम और आप कह सकोगे भी काम ऐसे होता है। आप सभी का, मैं शकील भाई का, चकवासियों का, बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरी मजबूत भाई हैं, और इन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का इस सर्दी में आए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।